हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल माहिदा टेकी। तो फायरबोल्ट ने अपनी एक और कॉलिंग स्मार्ट वॉच निकाल दिया फायरबोल्ट फॉल्कन नाम से। इसका प्राइस भी जो है काफी कॉम्पिटिटिव रखा भी रिपब्लिक डे सेल में, और देखते हैं इसको पूरे अच्छे से ठोक बजा के टेस्ट करके कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी निकल के आने वाली है, कॉलिंग कैसा काम कर रही है, स्टेप काउंटर कैसा है, बाकी सेंसर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। वॉच काफी प्रॉमिसिंग लग रही है जितना भी तक मैंने इसको यूज किया है, बाकी डिटेल में आप खुद ही देख लीजिएगा वीडियो में। वीडियो के एंड तक जरूर देखना ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दो। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करो, पुराने भी हो तो यार लाइक तो जरूर करके जाना वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बॉक्स कंटेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो स्मार्ट वॉच मैग्नेटिक पोगो पिन चार्जिंग केबल, यूजर मैनुअल, और ये वॉच इस बार डीएफटी टैप पे चलने वाली है, वारंटी, रजिस्ट्रेशन कार्ड, गाना की ऐप का सब्सक्रिप्शन, बुक माय शो का वाउचर और बोल्ट की मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको दोस्तों 1.83 इंचेस का एचडी डिस्प्ले देखने को मिलता है, 2.5D कट स्क्रीन भी देखने को मिलती है। बॉडी इसकी मेटल की है। रिजोल्यूशन की बात करें तो 240x284 पिक्सल का रिजोल्यूशन है। बैक साइड जो है पूरी प्लास्टिक की बनी है। सेंसर की प्लेसिंग आप देख सकते हैं, डेडिकेटेड SPO2 का सेंसर है। एक फिजिकल बटन भी देखने को मिलता है। इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आपको लाउड स्पीकर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन इसका जो काफी अच्छा है। ट्रैप इसमें सिलिकॉन का 22mm का रिप्लेसेबल देखने को मिल जाता है। अब जरा वेट चेक करके देखते हैं वॉच का, तो इसका वेट निकल कर आता है जस्ट 39 grams। आउटडोर विजिबिलिटी तो इस वॉच की जबरदस्त है, मतलब कम से कम 500-550 निट्स की ब्राइटनेस हमें देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट में भी कितना क्रिस्प एंड क्लियर हमें डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। किसी भी फंक्शन को चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। डस्ट एंड वाटर प्रूफिंग की बात करें तो ये वॉच आती है IP67 पर, मतलब 1 मीटर तक गहरे पानी में आप इसको लेके जा सकते हैं। हैवी रेन एंड हैवी स्प्लैश से आपको इसको बचा के रखना पड़ेगा। अब जरा फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों, जब आप ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं तो कॉलिंग के ऑप्शन, ब्राइटनेस, ये आपका पानी निकालने वाला ऑप्शन भी इसके अंदर आ गया। यहाँ पे तीन मेन्यू स्टाइल इनफैक्ट इस बार देखने को मिल रहा है हमको। फ्लैशलाइट का ऑप्शन है, उसके साथ साथ सेटिंग्स में जाते हैं तो आप डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, वहां पे आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। काफी आसान है ब्राइटनेस इसकी काफी जबरदस्त है। मुझे लग रहा है 600 nits ब्राइटनेस इस बार आ रही है। ऑटो स्लीप है, यहाँ पे देखिए 20 सेकंड का मैक्सिमम टाइम, और इसको ऑटो भी किया हुआ है। और उसके बाद बात करते हैं वॉच फेसेस, यहाँ से आप जाके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वही मेन्यू स्टाइल्स है, क्विक व्यू मतलब रेडिस टू वेकअप का ऑप्शन भी यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। वाइब्रेशन एंड रिंग, तो आप यहाँ मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कॉल चाहिए, खाली रिंगटोन चाहिए, खाली वाइब्रेशन चाहिए, और यहाँ से वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद DND मोड आ जाता है, डू नॉट डिस्टर्ब, फोन ऑन करना है या ऑफ करना है कॉलिंग के ऑप्शन को, ये काफी कन्वीनियंट रहता है। आप जैसे ऑफिस वगैरह में आप नहीं चाहते कॉलिंग को इनेबल करना, तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। लो पावर मोड है बैटरी बचाने के लिए, और ये कॉलिंग के फीचर को रीसेट अगर वो ढंग से काम ना करे तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा सिस्टम सेटिंग्स आते हैं, रीस्टार्ट, पावर ऑफ या रीसेट। उसके बाद होम स्क्रीन पे जब आप ऊपर को स्वाइप करते हैं तो नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, लेफ्ट को स्वाइप करते हैं तो यहाँ कॉलिंग का ऑप्शन आ जाता है। उसके अलावा एक्टिविटी ट्रैकर, AI वॉइस असिस्टेंट, हार्ट रेट मॉनिटर, SPO2 मॉनिटर, साथ में म्यूजिक प्लेयर एंड म्यूजिक कंट्रोलर, साथ में ऐड कंपोनेंट्स है। तो ज्यादा फीचर्स नहीं है ऐड करने के लिए, आपको 2-4 ही दिए गए हैं। फिर जब आप राइट को स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे वही एक्टिविटी डिटेल्स, फोन कॉल, हार्ट रेट, मतलब सारे ऑप्शन जनरली वही होते हैं। अब इसके अंदर जो आप स्पोर्ट्स मोड को एडिशनली देख सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर वही एक्सरसाइज रिकॉर्ड, वेदर अपडेट्स, नोटिफिकेशन, सारे के सारे वही फीचर देखने को मिल रहे। अब अलार्म चेक कर लेते हैं। अलार्म में निराशा हाथ में लगी है कि अलार्म आप वॉच के अंदर नहीं लगा सकते, बस इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके अलावा टाइमर है, स्टॉप वॉच है, फ्लैश लाइट, फाइंड माई फोन, गेम्स देख लें कितनी है इसमें, तो 1, 2, 3 बिल्ट इन गेम्स इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। साथ के साथ मस्ट डिमांडिंग फीचर कैलकुलेटर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी चीज है। और फिर फाइनली वही सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है। तो फीचर एंड स्पेसिफिकेशन में इस वॉच ने काफी अच्छा काम किया है। पेयरिंग के लिए देखिए आपको DFIT एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। फायरबोल्ट की ज्यादातर वॉचेस पे चलते हैं, जो FBBTS23 आ रहा है, ये इस वॉच का नाम है, जो भी यूनिक कोड है इसका। इस पे आप क्लिक करेंगे तो वॉच जो है फटाफट से पेयर हो जाएगी। पेयर होती है, ब्लूटूथ कॉलिंग की रिक्वेस्ट भी आएगी, उसको आप ओके कर दीजिए तो कॉलिंग एक्टिवेट हो जाएगी। उसके अलावा जितने भी सारे फीचर हैं, कैसे चलते हैं DFIT पे, कैसे पेयर करना है, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, इसमें आपको सारी ट्रबल शूटिंग एंड डिटेल्स मिल जाएंगी। हार्ट रेट की एक्यूरेसी की बात करें दोस्तों, तो देखिए रीडिंग्स जो है ऑलमोस्ट ऑक्सीमीटर से मैच है, 2 पॉइंट का फर्क आ रहा है। जैसे देखिए अब ऑक्सीमीटर में रीडिंग बढ़ने लगी है, वॉच में भी रीडिंग्स जो है बढ़ने लगी है, तो मतलब सेंसर काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। देखिए ऑक्सीमीटर में 80 पहुँच गई है और वॉच में भी उतनी पहुँच गई है, तो हार्ट रेट की एक्यूरेसी जो है हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो फिर जब हम SPO2 की बात करते हैं, भाई डेडिकेटेड सेंसर लगा है, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स की रीडिंग का जो है फर्क आ रहा है फर्स्ट टाइम की रीडिंग में, और अब 1 पॉइंट का डिफरेंस हो गया है। सेकंड टाइम फिर से मेजर करके देखते हैं तो यहाँ पे तो 3 पॉइंट का फर्क हो गया है। तो वैसे मैं आप सबको बताते हैं कि यार SPO2 की रीडिंग्स पे जो है रिलाई नहीं कर सकते।
और स्पोर्ट्स मोड की अगर हम बात करें दोस्तों, इस वॉच के अंदर 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है और ये सारे के सारे स्पोर्ट्स मोड यहाँ दिए गए हैं। बाकी स्पोर्ट्स मोड को आप ऐड वाले ऑप्शन से जाके जो है ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको जिस कैटेगरी चाहिए। अब देखो एक भविष्यवाणी कर दो, पॉपुलर में कुछ नहीं मिलेगा, देखा कुछ नहीं मिला, सारी डीए फिट वाली वॉचेस के साथ यही हो रहा है। तो यहाँ से आप इन सबको कर सकते हैं। उसके अलावा अच्छी बात है कि इसमें गोल्स कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया गया है, तो कि इस प्राइस रेंज में मिलना बहुत मुश्किल है और काफी काम का फीचर रहता है वर्कआउट्स के लिए। जब आप वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं, देखिए दोस्तों, तो ये जो है स्टार्ट होने के बाद आप इसके अंदर स्टेप काउंटर, कैलोरीज का डेटा, हार्ट रेट का डेटा देख सकते हैं और बटन को दबा के इसको पॉज या स्टॉप कर सकते हैं। स्टेप काउंटर एक्यूरेसी की बात करें दोस्तों, मैं 200 स्टेप चला तो इसने 193 कैप्चर किए, 400 चला तो 385 एंड 500 चला तो 480, तो स्टेप काउंटर की एक्यूरेसी यहां ठीक ठाक निकल के आती है। हेलो, हेलो सर। हेलो, हाँ जी, आवाज कैसी आ रही है मेरी? सर अच्छी आ रही है, लेकिन थोड़ी धीरे आ रही है। हाँ, मैं थोड़ा दूर से बात कर रहा हूँ, अभी ठीक है, बेटर है? हाँ। अच्छा अच्छा, और बाकी कोई ब्रेक तो नहीं हो रही आवाज या कुछ क्रैक हो रही हो? अच्छा अच्छा, मुझे भी आवाज क्लियर है। दोस्तों इसमें कॉल स्विच का ऑप्शन मिलता है बिटवीन योर मोबाइल फोन एंड योर स्मार्ट वॉच, उसके अलावा वॉल्यूम अप डाउन और म्यूट कर सकते हैं। चलो ठीक है जी, बाय बाय। बाय बाय सर। इंग्लिश नोटिफिकेशन की बात करते हो तो देखिए इसमें 10 से 12 लाइन का आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, जैसे कि सारी फायरबोल्ट की वॉचेस में हमने देखा, इसके अंदर भी सेम वही है। हिंदी नोटिफिकेशन भी इसमें क्लियर कट पढ़े जा सकते हैं, ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे इसमें। वॉच फीचर्स की बात करते तो इसमें 200 के करीब वॉच फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, वही डीए फिट वाले वॉच फीचर्स को ज्यादा नया देखने को नहीं मिलेगा आपको, और उसके बाद कस्टम वॉच फेस का भी सपोर्ट इस वॉच में देखने को मिल जाता है। बैटरी बैकअप की बात करें दोस्तों तो कैपेसिटी जो है यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की गई है, 2 से 3 दिन चल जाएगी रेगुलर कॉलिंग के साथ में, बैटरी काफी अच्छी है इसकी, और 5 से 6 दिन चल जाएगी अगर आप कॉलिंग को कम यूज करते हैं। वीडियो तो आपने देख लिया होगा दोस्तों, आपको प्राइस बताता हूँ इसका, जस्ट 199 है इसका प्राइस, तो काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस रेंज रखी कंपनी ने। इस प्राइस रेंज में इतना बड़ा डिस्प्ले मिलना, वो भी एचडी के अंदर, और ब्राइटनेस मैंने आपको दिखाई थी, तो डिस्प्ले की क्लैरिटी मैंने आपको दिखाई थी, एचडी में भी जो है काफी अच्छी क्लैरिटी निकल के आ रही है। जो भी हम वॉच फेसेस वगैरह लगा रहे हैं इस पे काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में, आउटडोर विजिबिलिटी भी कमाल की है, और कॉलिंग एक्सपीरियंस तो मैंने आपको दिखाया, जो फायरबोल्ट का स्पीकर होता है वॉच जिसका, काफी जबरदस्त है। तो ओवरऑल मुझे स्मार्ट वॉच काफी अच्छी लग रही है, चाहे इसके सेंसर की आप एक्यूरेसी ले लीजिए, बिल्ड क्वालिटी ले लीजिए, डिजाइन ले लीजिए। एक चीज जो मुझे लगता है इसके अंदर और अच्छी हो सकती थी वो है इसके अंदर की आपको अलार्म लगाने का ऑप्शन देना चाहिए कंपनी को, बाकी इन्होंने कॉल साइलेंट करने का ऑप्शन दे दिया, मतलब वॉच की रिंगटोन साइलेंट कर सकते हो, गोल्स को कस्टमाइज कर सकते हो, तो एक कंप्लीट स्मार्ट वॉच निकाली है 199 में। साथ के साथ भी है, लाइट वेट भी है, तो हर इस पे भी सुटेबल लगने वाली है, डायल भी इसका कॉम्पैक्ट साइज का है, तो 199 में मेरे हिसाब से तो आप इस स्मार्ट वॉच को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अलार्म से आपको बस थोड़ा सा छोटा सा फीचर उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बाकी फिर भी आपका कोई क्वेश्चन कमेंट है सुझाव इस वॉच से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल पर, बाय बाय।